हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यूआईडी इन 2024। गाइस आज हम लोग फ्री फायर का बहुत ही पुराना गेम प्ले देखेंगे, मतलब जब फ्री फायर में सीजन 1 का इलाइट पास भी नहीं आया था हम लोग तब का गेम प्ले देखेंगे। और उसके अंदर हमें बहुत सारे पुराने प्लेयर्स की आईडी मिली है जो की उस टाइम पर कुछ फेमस यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम में आए थे, उनके टीममेट बन गए या फिर उनके एनिमी बन गए। तो आज हम लोग उन बंदों की आईडी को सर्च करके देखेंगे क्या वो बंदे अभी तक फ्री फायर को खेलते हैं, और अगर हाँ तो क्या उनके पास कोई रेयर बंडल्स हैं लाइक गोल्डन हिप बंडल, गोल्डन सकुरा बंडल या फिर इससे भी ज्यादा कोई रेयर। फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस ऐसी मजे के लिए डाउनलोड करा था, 5-6 दिन गेम को खेला और डिलीट कर दिया। और आज की वीडियो के अंदर हमारे स्पेशल प्लेयर होने वाले हैं एसके सबीर बॉस, जो कि हमारे फ्री फायर के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजेंड है। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा एसके सबीर का सबसे पुराना गेम प्ले। तो आज हम लोग पुराने प्लेयर्स की आईडीज तो सर्च करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हम लोग एसके सबीर का पुराना गेम प्ले भी देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइस अभी आप लोग हमारा सबसे पहला क्लिप देख सकते हो। तो गाइस ये जो क्लिप है ना वो है आज से 6 या फिर 7 साल पुराना, और उस टाइम पर आप लोग देख सकते हो भाई हमारा जो फ्री फायर है ना वो कुछ ऐसा दिखता था। ये गेम प्ले भाई इतना पुराना है, उस टाइम पर फ्री फायर में सीजन 1 का लेट पास भी नहीं आया था। ये वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो भाई ज्ञान भाई को किसी बंदे ने जो है व्हीकल से उड़ा दिया है, और इसके बाद में हमें मिली इनकी एक टीममेट कैडी जिसका नाम है यहाँ पर प्रो नेशन वाईटी। और सबसे अच्छी बात ये यहाँ पर हमें यूआईडी भी मिल गई है। तो चलो गाइस हम लोग आईडी को सर्च करके देखते हैं क्या ये जो आईडी है वो असली वाले प्रो नेशन की है या फिर नहीं। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने आईडी को सर्च कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या गाइस ये जो आईडी ना वो 30 दिन से ऑफलाइन है। शिट, मतलब कि इस आईडी से इन्होंने खेलना बंद कर दिया है एंड आईडी का नेम चेंज करके कर दिया है विंट्रेस। चलो हम लोग आईडी को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं आईडी ओपन करता हूं गाइस आपको देखने को मिलेगा इस आईडी के अंदर 55 लेवल है, इसके अलावा 1500 लाइक्स हैं। एंड बात कर ले अगर हम लोग ड्रेसेस की तो गाइस ड्रेस के अंदर तो यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल सा बंडल इन्होंने पहना रखा है। बट ये जो आईडी है गाइस ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है और ये शायद ये प्रोनेशन की फर्स्ट आईडी है। लेकिन अभी के टाइम में गाइस इस आईडी से जो है प्रोनेशन मतलब हर्ष भाई ने खेलना बंद कर दिया है। अब ये तो रीजन नहीं पता आखिरकार इस आईडी को उन्होंने क्यों क्विट करा। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो गाइस नीचे की तरफ में यहाँ पर लिख रखा है माय नेम एसके रोहित, जो कि शायद प्रोनेशन का रियल नेम नहीं है। सही पकड़े हैं। नीचे की तरफ में आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर लिख रखा है माय नेम एसके रोहित। तो गाइस शायद ये आईडी जो है प्रोनेशन भाई ने अपने किसी दोस्त को दे दी होगी एंड उस बंदे ने जो अभी गेम को खेलना क्विट कर दिया, जिसकी वजह से ये आईडी अभी ऑफलाइन हो चुकी है। चलो गाइस बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर, और ये वाला क्लिप आप लोग देख सकते हो इसके अंदर गाइस यहाँ पर प्रोनेशन वाईटी जो है सामने की तरफ में कुछ बंदों को मार रहे थे, लेकिन भाई सामने की तरफ में पूरे 3-3 बंदे थे जिनमें से एक बंदे ने यहाँ पर प्रोनेशन को मार दिया था और उस बंदे का नाम था अनफॉरगेटेबल। तो यहाँ पर आप लोग इस बंदे को देख सकते हो भाई, इस बंदे की मूवमेंट स्पीड वगैरह देखकर लग रहा था उस टाइम पर ये बंदा जो है गाइस थोड़ा बहुत प्रो हो सकता था। तो चलो हम लोग इस बंदे की आईडी को सर्च करके देखते हैं आखिरकार अभी इस बंदे की आईडी कैसी हो गई है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या गाइस ये बंदा भी गेम को क्विट कर चुका है। आप लोग देख सकते हो भाई 30 दिन से ये बंदा गेम में ऑफलाइन है। एंड जैसे ही मैं इस बंदे की आईडी ओपन करता हूँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बंदे की आईडी में भाई कितने पुराने पुराने सीजन के बैजेस हैं। यहाँ पर सीजन 1 के बैजेस हैं, सीजन 2, सीजन 3 और भी ना जाने कितने सारे पुराने इलाइट पासेस हैं। और इस बंदे का जो गेम प्ले था वो भी काफी तगड़ा था। तो अगर ये बंदा अभी तक गेम को खेलता तो आप लोग सोचो भाई इस बंदे का लेवल अभी कितना खतरनाक हो सकता था। और हो सकता है गाइस ये बंदा फ्री फायर का कोई लेजेंड होता, बट इस बंदे ने आज से 5 या 6 साल पहले ही गेम को क्विट कर दिया। चलो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्लिप। तो गाइस ये वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो ज्ञान भाई यहाँ पर बिमा शक्ति साइड में थे और ये एल शेप हाउस के अंदर जा रहे थे, तभी इनको सामने की तरफ में कुछ बंदे दिखते हैं। तो गाइस यहाँ पर भाई जो ग्रेनेड उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से आ जाता है गाइस यहां पर एक सीजन 1 वाला प्लेयर। अब इनके जो टीममेट्स है वो भी इनको बचाने की कोशिश तो करते हैं, और इनके सभी टीममेट्स के किल होने के बाद में गाइस हमें मिल जाती है उस बंदे की आईडी जिसके पास में था ये सीजन 1 का इलाइट पास। तो चलो हम लोग यूआईडी को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं गेम के अंदर। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने यहां पर सर्च कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या गाइस ये बंदा भी ऑफलाइन निकला। ये बंदा 30 दिन से ऑफलाइन है, वैसे 30 दिन तो फ्री फायर में दिखाता है, भाई ये बंदा सालों से ऑफलाइन होगा क्योंकि इस बंदे का लेवल है सिर्फ 47। अब जैसे इस बंदे की आईडी मैं ओपन करता हूं भाई मैं और भी ज्यादा शॉक गया, क्योंकि इस बंदे ने गाइस सीजन 1 के अंदर 272 बैजेस क्लेम करे थे। एंड देख सकते हो भाई यहां पर ये सकुरा बंडल का फीमेल वाला बंडल है, लेकिन यार इसने सीजन 2 के अंदर ही मतलब कि जो हिप हॉप वाला सीजन था गाइस उसके अंदर सिर्फ 80 बैजेस क्लेम करे और गेम को क्विट कर दिया। अब यार मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती भाई ये बंदे इनके पास इतनी रेयर रेयर आईडीज होती है गाइस ये लोग गेम को क्विट क्यों कर देते हैं। भाई अगर इन लोगों को गेम क्विट करना है तो कम से कम यार अपनी आईडी किसी को देकर चला जाए वो ही खेलता रहेगा। लेकिन भाई ये बंदा अगर अभी गेम को खेल रहा होता ना गाइस मैं 100% बता सकता हूं इस बंदे की आईडी अभी बहुत ही खतरनाक होती, लेकिन अभी ये बंदा गेम को क्विट कर ही चुका है तो गाइस इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो चलो गाइस हमारे सामने आ चुका है हमारा अगला क्लिप, और इस क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें ज्ञान भाई टीममेट की आईडी मिली है जिसका नाम है अंकित आर, और इस बंदे का लेवल था 42 जो की भाई उस टाइम पर बहुत ज्यादा था क्योंकि ये क्लिप उस टाइम का है ना जब फ्री फायर में सीजन 1 का इलाइट पास भी नहीं आया था। तो आप लोग खुद सोच लो भाई ये क्लिप कितना ज्यादा पुराना होगा, यार इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है। चलो
फिर मैं आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आईडी को सर्च कर दिया है एंड फाइनली भाई हमें कोई तो ऐसा प्लेयर मिला जो कि अभी ऑफलाइन ना हो। देख सकते हो भाई 3 घंटे पहले ये बंदा गेम में ऑनलाइन था। तो गाइस जैसे ही मैं आईडी ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 70 लेवल है, 12,000 लाइक्स है जो कि ठीक ठाक है। वैसे मुझे लगा था भाई इस बंदे का लेवल एटलीस्ट 80 तो हो गया होगा क्योंकि भाई इस बंदे का लेवल पहले इतना ज्यादा था तो अभी एटलीस्ट 80 तो होना चाहिए था। और बात कर ले हम लोग ड्रेसेस की तो गाइस ड्रेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हमारा एशियन स्कार्फ है, इसके बाद में व्हाइट वाले जो कि मेरे टाइम पर फेवरेट थे एंड ड्रेस कॉम्बिनेशन भी देखा जाए तो भाई ठीक ठाक है, मतलब बंदे पास अच्छा कलेक्शन होगा। वैसे गाइस ये बंदा 6 साल से ज्यादा पुराना प्लेयर है तो जहां तक मुझे लगता है इस बंदे की आईडी के अंदर भाई कोई ना कोई रेयर बंडल तो होगा जिसको शायद अभी इस बंदे ने इक्विप नहीं कर रखा। और एक चीज गाइस मैंने नोटिस करी, आप लोग देखो भाई ये बंदा जो है ना गेम को पहले बहुत ही कम खेल रहा था, शायद ये बंदा गेम में ऑफलाइन भी हो गया था बीच में, लेकिन अब ये बंदा गेम में वापस आ चुका है, दोनों रैंक हीरोइक कर लिए एंड बैजेस भी अच्छे खासे क्लेम कर लिए, वरना भाई ये जो प्लेयर है ना हमारा ये भी ऑफलाइन निकलता। तो चलो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्लिप, और नेक्स्ट क्लिप जो गाइस वो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर आ चुका है राइज स्टार। और गाइस ये जो ना असली वाला राइज स्टार है, अब आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर जो राइज स्टार को आगे किसी बंदे ने मार दिया है एंड हमें उस बंदे की आईडी भी मिल गई है। तो आप लोग देख सकते हो इस बंदे का नाम था Nico3553 एंड गाइस इस बंदे ने आज से 5 साल पहले राइस्टर को गेम में मारा था। तो आप लोग खुद सोचो भाई इस बंदे का गेम प्लेयर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो मुझे लगता है भाई इस बंदे की आईडी तो हमें सर्च करनी चाहिए। तो चलो मैं आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस आईडी को मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है और भाई ये क्या गाइस ये बंदा 30 दिन से गेम में ऑफलाइन है एंड देख सकते हो भाई 75 लेवल है इस बंदे का। और आईडी को मैं बाहर से देख कर ही बता सकता हूँ भाई आईडी के अंदर कितनी रेयर रेयर चीजें होने वाली है। चलो हम लोग आईडी को ओपन करके देख ही लेते हैं भाई आखिरकार इस बंदे ने गेम को लीव क्यों करा। सो जैसे ही मैं आईडी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा इस बंदे का 75 लेवल है, 28,000 लाइक्स है जो कि बहुत ज्यादा है। एंड अगर हम लोग बात कर लेगा इस बैजेस की तो देख सकते हो आज से लगभग 3 साल पहले इस बंदे ने जो है फ्री फायर को क्विट कर दिया है। बट देख सकते हो इस बंदे की आईडी के अंदर यार कितने ढेर सारे इलाइट पास है। उस टाइम पर फ्री फायर में जितने भी इलाइट पास आए थे इस बंदे ने सभी इलाइट पास लिए हैं। और इस बंदे का ड्रेस भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सकुरा बंडल है, हिप हॉप बंडल है, गोल्डन शेड बंडल है। और मैं आप लोग बता दूंगा ये जो बंडल्स है ना इस बंदे रिटर्न वाले इवेंट से नहीं निकाले, ये सभी बंडल्स इस बंदे के पास पहले से है। मतलब अगर ये बंदा भी गेम में एक्टिव होता तो इस बंदे की आईडी हमारे इंडिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट आईडी होती क्योंकि इस बंदे की आईडी के अंदर लिटरली भाई सभी चीजें। और आप लोग इस बंदे का एवटर बैनर देखो भाई ये जो है ना ये सीजन 3 के हीरोइक का है जो कि अगेन फ्री फायर की वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज है। लेकिन यार इतनी सारी चीजें होने के बाद भी पता नहीं गाइस इस बंदे ने गेम को क्विट क्यों कर दिया। वैसे जहां तक मुझे लगता है गाइस इस बंदे ने शायद गेम को खुद से क्विट ना करा हो क्योंकि देख सकते हो भाई ये बंदा जो गेम में से एकदम से गायब हुआ है। मतलब ऐसा नहीं था इस बंदे का गेम में से इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि अगर इस बंदे का इंटरेस्ट कम होता तो भाई ये बंदा इलाइट पास क्यों लेता। और जहां तक इस बंदे की आईडी देखकर मुझे लग रहा है शायद इस बंदे की आईडी डिसेबल हो गई है या फिर बैन हो गई है। सो आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी। और अभी हम लोग बढ़ते हैं इस प्लेयर की और जिसका वेट आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हो। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजेंड और ग्लोबल प्लेयर की जिनका नाम है एसके समीर बॉस। चलो मैं आपको एसके समीर का सबसे पुराना गेम प्ले दिखाता हूं। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये जो गेम प्ले देख रहा हूं ना गाइस ये है समीर भाई का सबसे पुराना गेम प्ले। और ये गेम प्ले उस टाइम का है जब समीर भाई जो ग्लोबल पर चल रहे थे। तो चलो हम लोग देखते हैं आखिरकार उस टाइम पर एसके सबीर का गेम प्ले कैसा था। तो गाइस यहां पर हम लोग देख सकते हो भाई उस टाइम पर भी जो सबीर भाई मोबाइल पर खेलते थे और ये खेल रहे हैं इस टाइम पर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड गेम है। तो यहां पर एक बंदे को इन्होंने मार दिया है सामने की तरफ से, एक बंदे के ऊपर रश कर रहा है तो इस बंदे के भी एक हेडशॉट मारा है, इसको भी डाउन कर दिया है एंड यहां पर क्लच निकाल रहे हैं। तो ये गेम प्ले जो गाइस आज से लगभग 4 साल पुराना है एंड 4 साल पहले के हिसाब से भाई काफी तगड़ा गेम प्ले इनका। वैसे गाइस सबीर भाई का गेम प्ले देखकर एक चीज तो मैंने समझी, इनके गेम प्ले में गाइस इन्हें मतलब नहीं है भाई हेडशॉट पड़े क्या पड़े, इनको बस ये मतलब है इनको गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा किल्स करने हैं और बुया निकालना है। इनका मेन जो गोल होता है ना गेम के अंदर सामने वाले बंदे को भाई जल्दी जल्दी फिनिश करना है एंड बुया करना है। एंड गाइस जिस टाइम पर भाई एसके सबीर ने ग्लोबल टॉप किया था ना भाई उस टाइम पर इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भाई फ्री फायर में। उस टाइम पर किसी ने भी 12,000 रैंक स्कोर नहीं करा था। अभी आपको शायद ज्यादा नहीं लग रहा भाई रैंक स्कोर, लेकिन भाई पहले ना 12,000 रैंक स्कोर करना बहुत बड़ी बात थी एंड एसके सबीर हमारे फ्री फायर के फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 12,000 रैंक स्कोर करा था। तो चलो गाइस अभी मैंने आपको सबीर भाई का पुराना गेम प्ले तो दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूं एसके सबीर की आईडी। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर ये जो आईडी देख रहा हूं ना ये है एसके सबीर की फर्स्ट आईडी एंड उनकी मेन आईडी। तो इस आईडी के अंदर लेवल है भाई 93 एंड चलो हम लोग ओपन करके देखते हैं आखिरकार इनकी जो आईडी है ना कैसी है। तो जैसे ही मैं आईडी ओपन करता हूं ना गाइस आईडी के अंदर हो चुका है 93 लेवल एंड इसके साथ में गाइस 1.1 मिलियन लाइक्स जो कि हमारे फ्री फायर के वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक्स है। और इनकी आईडी के अंदर आपको जो गाइस वी बैच भी देखने को मिल जाएगा। एंड बात कर ले अगर हम लोग ड्रेसेस की तो ड्रेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा गाइस ब्लैक बनी बंडल है यहां पर, उसके अलावा गोल्डन सकुरा बंडल है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई दिखने में बहुत तगड़ा लगता है। और बात कर ले अगर हम लोग रैंक की तो रैंक में देख सकते हो इलाइट मास्टर पे एंड 72
2000 स्कोर है एंड CS रैंक में अभी इतनी ज्यादा इनकी रैंक नहीं है और बैजेस वगैरह तो पूरे कलेक्ट करेंगे ही क्योंकि पार्टनर प्रोग्राम में जो है। और इस आईडी के अंदर जो कलेक्शन है ना भाई, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है क्योंकि इस आईडी के अंदर भाई बहुत रेयर रेयर चीजें हैं। सीजन 1 से लेकर अभी तक के सभी इलाइट पास है। तो गाइस आप लोग बताना आपको एसके सबीर की पुरानी आईडी और उनका पुराना गेम प्ले कैसा लगा, और अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से वो जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।